सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवद गीता सर्व शास्त्रों की माँ है। गीता का मूल संदेश यही है कि हम आत्मवादी बने और आत्मस्मृति में स्थित होकर परमात्मा का ध्यान करें। लेकिन ये तभी संभव है जब हम गीता के भगवान को वास्तविक रूप में पहचान सके। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर झारखंड के रांची में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कई जाने माने बुद्धिजीवी शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। गीता जयंती गीता धर्म ग्रंथ के आधार से हमारे भारत देश की महान श्रेष्ठता इस देश की भी बड़ी है, जो देश विदेश में गीता पे लोग अपने जीवन में हर हल निकालते हैं। कुछ हल निकाल कर जब हम आत्म चिंतन करते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो मन शांत हो जाता है। एक बात सबसे जो मुझे अपीलिंग लगी तो वो यह है, जो श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं अन्य व्यक्ति वैसा ही आचरण करने लग जाता है। तो मैं यही मान के चलता हूं कि यहाँ तमाम श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं, तो उनको देखकर निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति चेष्टा करेगा कि हम अपने जीवन को उसी रूप में उतारें। आज का जो युग है, जो आसुरी शक्तियां हमारे चारों ओर फैली हुई है ना, तो उनको दूर करने के लिए हमें भी उसी तरह से हमको जो है सो अपने तीर अपने गांडी उठाने पड़ेंगे, और हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए हमें उसमें जो है सो अर्जुन के भांति हमें कार्य करने पड़ेंगे। मेरा कार्य शिव है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बिकी निर्मला दीदी ने वर्तमान समय चल रहे संगम युग की जानकारी देते हुए गीता के भगवान का संदेश दिया। श्री कृष्ण को तो कहते हैं योगी राज, लेकिन परमात्मा को कहते हैं योगेश्वर। योगी राज माना वो ऐसी राजाई, ऐसी सुंदर जीवन उन्होंने कैसे पाई, राजयोग परमात्मा के द्वारा सीख करके वो योगी राज बन गए। लेकिन परमात्मा योगेश्वर हैं, यानी योग सिखाने वाले ईश्वर, तो परमात्मा ने वो राजयोग सिखाया जैसे जिससे ऐसी जीवन बनी। एक्चुअली आमी फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर एमती एते बड़ गोटे मेला एते आध्यात्मिक एते परमात्मा परमात्मा आमी एक्चुअली घरे बसी किछ जानी पारुनी। भगवान अछंती आमी पूजा करू आमी जानू, किंतु आमे जानी पारुनी कौन भगवान किए भगवान तार कौन माने beautiful sounds, beautiful that avulging and takes like into the scenes. So all the actors, all the images were like really involving the people inside, and we like get transported into the scene. So we feel like we are inside and getting into all this this kind of experience and the scene. So we really enjoy this amazing show. यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, इन stalls का निरीक्षण कर रहे हैं और अपने बारे में जानने के साथ ही यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कि जुडिशियल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा कल से यहाँ पर राजयोग कोर्स भी कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये महाकुंभ मेला एक तरह से ज्ञान का मेला है, जो किसी नदी किनारे नहीं लगा है, लेकिन ख़ास करके उड़ीसा वासियों के लिए ये गोल्डन चांस है, जहाँ पर उड़ीसा के लोग आकर अपने आप को एनलाइट कर सकते हैं। पीएस न्यूज़ के लिए बीके ज्योति। भुवनेश्वर में चल रहे कुंभ मेले के दूसरे दिन ब्रह्मा कुमारीज द्वारा न्यायविदों के लिए सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर ब्रह्मा कुमारीज मलेशिया की डायरेक्टर शामिल हुई। उन्होंने इस दौरान कहा कि कुदरत ने लॉ ऑफ कर्मा का नियम नेचुरल दिया है, आपके हर कर्म का एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है। अगर आप किसी को दुख देंगे तो आपको दुख रिटर्न में मिलेगा,
और सुख देंगे तो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। लॉ ऑफ एक्शन विच सेज एवरी एक्शन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बीके मीरा के अलावा इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस लक्ष्मीकांत महापात्रा, उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस डीपी चौधरी, चेयरपर्सन जस्टिस रघुनाथ बिस्वाल मौजूद रहे। I was asking my question, मीरा दीदी pointed out that, who am I? Where from I have come? Why I have taken birth in a family which can feed us with 4 meals? And why did I not take birth in the family of a rickshaw puller or a daily wager? There must be some reason. कार्यक्रम में मौजूद मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल ने कहा कि स्वयं की सत्य पहचान यही ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान का पहला पाठ है। तो वहीं जस्टिस डीपी चौधरी ने कहा कि हर किसी देश में संविधान सब कुछ होता है, लेकिन बिना आध्यात्मिकता के संविधान कुछ नहीं है। मोर कहवा कथा होची आध्यात्मिक आईन रही एवं से आईन को आप प्रकृत उपयोग करेंगे ताल निश्चित भाव में भावी जे आध्यात्मिकवाद प्रकृत मनुष्य जो सृष्टि प्रकृत प्रतिफलित। कार्यक्रम के आयोजक यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने जहां सभी अतिथियों का स्वागत किया, तो वहीं उड़ीसा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीके कैलाश चंद्र ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। कुंठ धरा पर लाएंगी ये पावन विश्व बनाएंगी। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र से आत्मनिर्भर किसान अभियान के शुभारंभ अवसर पर यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, कृषि विभाग के सहायक निदेशक बद्री विशाल तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी की उपस्थिति में अभियान का आगाज किया। जो हमारी शाश्वत संस्कृति रही है, हमारी जो परिपाटियां रही हैं, जो हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण और उसके प्रति समर्पण रहा है और साथ साथ में और शाश्वत खेती का विकास कैसे किया जाए, इस पर आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के शुरू होने के पहले से ही उन्होंने इस दृष्टि से प्रयास किया। आप ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक नेतृत्व के द्वारा ठोस प्रयास, देश के नेतृत्व के द्वारा यह एक ठोस प्रयास शुरू हुआ है। ऑर्गेनिज्म है हमारी धरा भी, उसको एक आदत थी एक तरह की काम करने की वर्षों से, 50-60 साल से, अब हम उसको बदल रहे हैं। लेकिन वो बदलाव आवश्यक है, नहीं बदलेंगे तो जो स्थिति हो रही है आपको, आप समझ नहीं सकते कि कितनी भयावह स्थिति हो रही है। हर साल साल हम लोग के उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में फीट, कई फीट प्रति वर्ष वाटर टेबल नीचे जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 4 दिव्य किसान सेवा रथ गांव की सेवा के लिए रवाना किए गए, जिनके द्वारा बीके सदस्य 15 दिनों तक गांव-गांव में जाकर किसान भाइयों को शाश्वत योगी खेती की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण देंगे। यूपी के सादाबाद में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवनिर्मित प्रभु प्रिय धाम का मंगल उद्घाटन संत बाल योगी जी महाराज, मधुबन से पहुंची राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मणी दीदी और आगरा सब जोन की प्रभारी बीके शीला, सचिव बीके अश्विना, हाथरस की प्रभारी बीके सीता, फरुखाबाद की बीके शोभा दीदी समेत कई वरिष्ठ बीके बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्री जी को बताना चाहूंगी कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रभु धाम का उद्घाटन एक छोटा सा आपकी नजरों के सामने एक नजराना है।
वास्तव में परमात्मा पिता शिव भगवान इस सृष्टि पर आकर नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी, कान्हा बालक को कान्हा और बालिकाओं को राधा के रूप में इस शिक्षा के द्वारा श्रृंगारित करते हैं। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में दुर्ग जिले के सभी स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए क्रिएटिंग ग्रेटनेस विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके प्राची ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य को लेकर आज माँ बाप ज्यादा चिंतित रहते हैं। इसी कारण से बच्चे स्वयं को तनावग्रस्त महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा बच्चे के स्वभाव में बढ़ रहे चिड़चिड़ापन, क्रोध और अकेलेपन से लगा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने मास्टर्स के साथ साथ, तो कॉलेज में प्रोजेक्ट्स, कॉलेज की पढ़ाई पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर, टेंशन कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि कई बार हम फेल होते हैं तो हिस्ट्री फिर से रिपीट ना हो, फिर से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल ना आ जाए। ये सारी टेंशन्स के बीच में हम 100% फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाते। जिला शिक्षा अधिकारी अमित घोष ने विधिवत तरीके से सम्मेलन का शुभारंभ किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक हम सब तनाव मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम अपने सेवा सहयोगी और बच्चों को भी तनाव मुक्त नहीं बना सकते। तनाव को कम करने का हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा जगह और कहीं नहीं मिल सकती हमको तनाव कम करने की। सम्मेलन के दौरान कई वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। करना होगा।